ये दो करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दो करोड़ युवाओं से रोजगार वापसी छीन लिया गौ माता को जान लिया जैसे की के टी लाइव न्यूज समय समय पर दर्शकों को तरह तरह की चीजें दिखाता रहता है आज हम आए हैं ग्राम सलापुर में जहाँ से मुकर्रम प्रधान उर्फ नन यहाँ से बसपा प्रत्याशी हैं विधानसभा सिवाल खास से आइए कुछ समर्थक हैं उनके उनसे बात कराते हैं सर आपका नाम पूर्ण चंद है जैसे कि यहाँ नन्ने प्रधान और मुकर्रम बसपा से प्रत्याशी हैं शिवाल खास से क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे बहुत अच्छा में बहुत अच्छे आदमी है जी सबकी सुनने वाले गरीब आदमी होगी और किसी टाइम भी आ जाओ सबकी सुनते हैं बढ़िया आदमी है बहुत। जैसे कि उनका प्रचार किया जा रहा है कि जो यहाँ पर मेहमान आते हैं वो खुद उनका स्वागत करते हैं सत्कार करते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे अभी बहुत बढ़िया है जी इतना कर रहे हैं कि आने की देर है सत्कार होने में कमी नहीं है यहाँ पे हर तरीके से हर हाथी छाती हर चीज को तैयार है जी आप कुछ कहें हाँ जी हम तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं देखिए हमारे जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे जो नन्न प्रधान जी को सवाल खास विधानसभा क्षेत्र में आशीर्वाद दिया है वो सोच बड़ी सोच समझ के दिया है और हमारे नन्हे प्रधान जी यहाँ से शिवाल खास विधानसभा में से जो है जीत करके जाएंगे और माननीय बहन कुमारी मायावती जी को पाँच बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश का जैसे कि आप बसपा पार्टी से जुड़े हुए हैं और अब से पहले भी लोकसभा के चुनाव हुए पहले भी काफ़ी चुनाव हुए आखिर ऐसा क्या कारण है कि अब क्या जो बसपा कार्यकर्ता है उनमें काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है वो इसलिए इनके अंदर जोश भरा हुआ है क्योंकि ये दस साल से बेरोजगार है इनको कोई रोज़गार नहीं मिला पढ़ा लिखा रोजगार ये नौजवान है वो जो है एम बी बी एड करके जो है पी एच डी मतलब डिग्री कर अपने घरों में ले बैठा है वो बेचारा मायूस है इसलिए वो चाहता है कि हम बहन जी की सरकार आवे वो बहन जी हमको जो है नौकरी दे सकती है जैसा कि पहले पूर्व में बहन जी ने 2007 में बारह के बीच में साढ़े तेईस लाख नौकरी देने का, का काम किया और उसमें जो है एस सी एस टी के बालकों को बहुत जो है अधिक मात्रा में नौकरी मिली और जो है हमारे ओबीसी समाज को भी अच्छी नौकरी मिली साढ़े मतलब वही है जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वही पढ़ाई उस पढ़ाई की बात है भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास पर कार्य कर रही है ये, केवल, ये केवल इन्होंने जो है विकास किया है धन सेट्टों का विकास किया है इसमें इनकी बीजेपी की सरकार में अमीर अमीर हो गया गरीब गरीब हो गया केवल धनना सेटों की तिजोरिया भरने का काम किया मोदी जी तो कहते थे कि जो सरकारी योजनाएं वो लास्ट उस उसमें जो बैठा है वहाँ तक जाएंगी वो इसका मतलब आप उसे सही नहीं मान रहे हो ये खामा खा का झूठा झूठा प्रचार कर रही है बीजेपी क्योंकि ये टेलीविज़न पे दिखाते हैं जब यहाँ पे टेलीविज़न पे मीडिया खरीद रखी है टीवी पे दिखाते हैं एक गांव में यदि इन्होंने जो अभी जो है अभी जो है वो चला था पोप ये जो वो चला था अपना झूठा प्रचार रहा था कि हमें जो है एक मजदूर के खाते में एक हज़ार रुपये देवेंगे ई श्रमिक कार्ड के माध्यम से गाँव में जो है केवल चार आदमियों के जो है पैसे डाल दिए खाते में बाकी के लोग परेशान करते हैं उन चार ताकि उसका प्रचार हो जाके मोदी जो है मजदूरों को पैसा दे रहे हैं यही पूरे प्रदेश में बुरा हाल है यही अपना जो है झूठा प्रचार करती है ये भारतीय जनता पार्टी गरीब के खाते में और जो है पीड़ित के खाते में कोई पैसा नहीं जाता ये सब अंधविश्वास फैला मतलब वो फैला झूठा प्रचार किया जा रहा है जी जी आपका नाम विनोद जी आप क्या कहना चाहेंगे जी ये हमारे ये नन्या प्रधान है जी ये रात दिन गरीब आदमी किसी टाइम आ जाओ जी ये सबकी सेवा करते हैं जी ना नहीं होती जी यहाँ यहाँ सेवा सेवा ही है जी ये ये समाज की सेवा करते हैं जी ये हम किसी टाइम भी आ जाओ जी यहाँ से नए नहीं होते जी ये सेवा करे रात दिन जी आप जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे जी हमें तो महंगाई ज़्यादा हो, हो रही है जी मजदूर आदमी बेकार हो रहे हैं परेशान हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं कोई दो रुपए देने को तैयार नहीं है जी हम नन्न प्रधान के यहाँ आ जावे है जी हमें सौ दो, दो सौ रूपये की भी जरूरत पड़े जी ये हमें दे दे, हमें दे, दे जी हमारी सेवा में लगे रहते हैं यानी ये सब सबके हित ऐसी है हाँ जी सब, सब, सब के सबके सब है। समाज के, के समाज है, है। समाज के जी ये ये कोई भी गरीब आ जाओ ये सेवा से सेवा ही करते हैं जी आपका नाम मेरा नाम विनोद कुमार जाटव बहुजन समाज पार्टी में जोन प्रभारी के पद पर काम कर रहा हूँ साथियों मैं बता देना चाहता हूँ ये जो बीजेपी सरकार है ये धन्ना सेट्टू की सरकार है और पूंजीपति की सरकार है इसने कुछ नहीं करा सिवा जुमले के अलावा क्योंकि जिस टाइम बीजेपी सरकार 2014 में आई थी मोदी ने कहा था कि हम दो रोजगार दो करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को ये दो करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दो करोड़ युवाओं से रोजगार वापसी छीन लिया इसने इस सरकार ने क्योंकि आप देखिए सभी जो है निजीकरण करती जा रही है जब निजीकरण होगा तो गरीबों हो का भला कहाँ होगा धन्य सेट्टो का भला होगा उसमें तो, हो। क्योंकि हमारे जो नवयुक्त लड़के जो एम ए बी एड करके घूम रहे हैं, दो दो हज़ार की दस दस पंद्रह पंद्रह हज़ार नौकरी पर आमादा हो जाएंगे धन्य सेट्टो को तो नौकरी करेंगे इसलिए हम ये चाहते हैं हमारा जितना जाटो समाज और मुस्लिम समाज अब इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेगा और इसको बता देगा आने आने वाली दस तारीख को जिस टाइम वोट खुलेंगी और बीजेपी पछाड़ खा के गिरेगी ये क्या हो गया दलित मुस्लिम फैक्टर अब इतनी जबरदस्त चलेगा इतनी जबरदस्त चलेगा बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगा और साथियों मैं ये बताना चाहता हूँ जो हमारे नये प्रधान जी हैं इस शिवाल खास विधानसभा सीट से कम से कम पच्चीस हज़ार वोटर से विजय होंगे ये रिकॉर्ड बना देगा इतिहास बना देगा ये जो शिवाल खास साथियों मैं ये कहना चाहता हूँ और खासकर अपने जाटो समाज दलित समाज से अपील करना चाहता हूँ साथियों भहका मत अब गए गठबंधन के भहकाउ मत हो और लहर चल दी है बीएसपी की और उसके साथ आ जाओ और एक साथ कंधे कंधा भी चलो और बीजेपी का सुपड़ा साफ करो जैसे की बस जैसे की बसपा में गठबंधन की बात करें बसपा में भी अभी पीछे योगी जी ने बयान दिया था मुझे अब मेरठ से हो और मुजफ्फरनगर मेरठ करीबी हैं तो उसमें एक बयान दिया था कि इनकी गर्मी निकाल देंगे शिमला बना देंगे मुजफ्फरनगर मेरठ को तो उसमें बहन जी ने कोई बयान नहीं दिया तो उसके बारे में क्या कहेंगे साथियों बहन जी तो बहुत कुछ कहती है ये मीडिया तो दिखाती ही नहीं है बहन जी को बहन जी ये चर्बी अब और की क्या निकाल लेगी दे देगी बीजेपी दे ये दे की ऐसी देगी। बीजे आ, ये देखती रह जाएगी और ये जो गठबंधन है झूठा गठबंधन है गठबंधन झूठा ऐसा है ये भहका मत है ये बहुत झूठा जुमला गठबंधन है इसे भी साथियों जो अखिलेश की गुंडागर्ती थी जो साथी यूपी में गुंडा राज था उसी गुंडा राज की वजह बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी और उससे ज्यादा भ्रष्टाचार योगी सरकार ने कर दिया साथियों ये गरीब की ना सुनती है अभी ऊना कांड देख लो आप हाथरस कांड देख लो साथ में क्या अत्याचार किया ये बीजेपी भी सरकार तो आप कुलदीप सेंगर को देख लो विधायक ने क्या करा आज जेल की सलाखों के पीछे है मतलब सजा भोगत रहा है कुलदीप सेंगर और साथियों ये तो बीजेपी भी सरकार बहुत गुंडों की सरकार है और इसी के साथ साथ ये गठबंधन जो है जो समाजवादी सरकार ने और लोक दल ने गठबंधन करा सा ये तो सारा ये तो सारे की जरूरत ले सारा ले रहे हैं ना सारा कौन लेता गठबंधन जिसे कमजोर होता है साथ ही बहन जी कहते हैं बहन जी कहीं नहीं है बहन जी नहीं है इन्हें वोट की चोट से आने वाली दस तारीख को दिखा देंगे लोग यानी आप कहना चाहते हो कि गठबंधन पर बहन जी अकेली भारी है अकेली भारी है बहन जी बहन जी गठबंधन पे अकेली भारी है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है बहन जी सर समाज का साथ है बहन जी के साथ में और साथियों एक बात देखो मैं आपको बस तो याद दिलवा दू वैसे मीडिया दिखा रहा है जब दो, दो में सरकार आम चुनाव जैसा आज हो रहा जब तेईस परसेंट वोट थी हमारी अट्ठानवे सीट आई थी और जब ये 2012 का चुनाव हुआ 2007 का हमारी 30 परसेंट वोट पे 206 विधायक आए और साथ ही जिस टाइम ये जो 12 का चुनाव हुआ 17 का 17 में वहां तेईस परसेंट वोट मिला जैसे कि कानून व्यवस्था की बात करें तो योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को हमने दंगा मुक्त अपराध मुक्त कर दिया तो अब बहन जी का भी शासन रहा है आपने देखा है तो कैसे कंपेयर करेंगे उसको साथियों बहन जी का तो ये अच्छी तरीके जानते बहन जी लो इन ऑर्डर कितना अच्छा था 2007 से 12 तक का लोअ ऑर्डर देखा कि बीजेपी सरकार तो उसके पास के बराबर भी नहीं है क्योंकि आज जो है आप पुलिस को देख लो जा कितना भ्रष्टाचार मचा रही है बहन जी के शासन में जिस टाइम बहन जी की सरकार चल रही थी अधिकारी समय से पहले समय से पहले अपने ऑफिस में पहुँच जाते थे आज अधिकारी ढूंढते रह जाओ और साथियों एक इम्पोर्टेंट चीज आपको साथियों कोरोना काल में ये कोरोना काल में चल रहा कोरोना काल में अंबानी अडानी अंबानी मोदी सबकी तो इनकी जीडी यानी कि 2000 करोड़ आमदनी थी उनकी तो बीस हजार करोड़ होगी साथियों गरीब को क्या गरीब के बच्चे जो पांच साल के थे आज सात साल का हो गए पढ़ाई पे क्यों रोक लगा है इसने मैं इससे जालिम सरकार से कहता हूँ मोदी से चा कहना चाहता हूँ ये जो पांच साल के बच्चे हैं सात साल के हो गए इन्हें नौकरी कैसे दिलाओगे इनकी ऐसी शिक्षा से कैसे ऐसे बनाओगे जो आज सात साल का बच्चा हो लिया धन्य के बच्चे बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं हमारे बच्चों क्यों नहीं पढ़ा रहे स्कूल क्यों नहीं खोल रहे जब ये सब चीज वो तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र नहीं ये हिंदू शास भगवा राज बनाना चाहता है जो आरएसएस के दल्ले जो फिर रहे घूमते फिर रहे उनका राष्ट्र बनाना चाहता है मोदी तो उनका हुए नहीं आपको क्या दिक्कत है भगवा राष्ट्र से भगवा राष्ट्र से हमें दिक्कत है हम सर्व समाज के साथ भी जीना चाहते हैं मुस्लिम हमारा दुश्मन है ये मुस्लिम भी हिंदुस्तान में नहीं है इन्होंने आजादी में कहा बराबर साथ नहीं दिया साथ बताओ कहाँ मुस्लिम कंधे से कंधा मिला के अंग्रेजों के साथ छुटकारा मुस्लिम साथ नहीं दिया मुस्लिमों को कैसे मुस्लिम भगावे मुस्लिम हिंदू मुस्लिम ये तो उनकी रणनीति है ये अलग से अलग कहा करेंगे सत्ताईस परसेंट आरक्षण दे रखा बैकवर्ड उन्होंने जबकि इकतालीस परसेंट के हकदार है अभी तो ये जितने भी ये बैठे हैं ना धरना सेठ ये अभी तो चौदह परसेंट तो बैकवर्ड का आरक्षण सड़के बैठे हैं सत... हमारे विधानसभा शिवाल से नन्न प्रधान जी बहुत अच्छे आदमी हैं और इन लोगों के सब को सबको साथ मिलकर चलना है ये बीजेपी जो है ये जो है ये बताती है दिल्ली उसमें लखनऊ के अंदर हाथी खड़े कर दिए इन्होंने गुजरात में जाकर देख लो तीस हजार करोड़ रुपए की सरदार वल्लभ वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई है इनसे ये तो पूछे ये रुपया कहाँ से आया कि ये कहते गवर्नमेंट का रुपया ये भी तो गवर्नमेंट का रुपया है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वो तो सबके सहयोग से बनी है मूर्ति है जी ये भी तो सबके सहयोग से बना है ये भी तो गवर्नमेंट ने बनाया है ये किसी और ने थोड़ी बनाया है गवर्नमेंट कमाई कर रही है पार्क भी कमाई कर रही है एक एक समाज के बैठने के लिए स्नान बना दिया तो, तो वो तो उत्तर प्रदेश सरकार के ही है ये पार्क जितने भंजे ने बनाए ये भी तो उत्तर प्रदेश सरकार के ही है इसमें उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नमेंट देखो आमदनी कितनी हो रही है उससे पार्कों में आमदनी कितनी है वल्लभ भाई प्रदेश सरकार ने राम मंदिर बना दिया बहुत अच्छा है राम मंदिर राम मंदिर बार राम मंदिर के बजाय अस्पताल बनाते इतने में जो नदियों नालों में बहती फ्री जमुना में कितनी लाजती फ्री कमाई का साधन सोचा है ये मैं मंदिर बनाने में या राम मंदिर बनाने में इन लोगों को रोजगार मिलेगा हमारे ये बैकवर्ड के जो तो है धीमवार कुमार लोहार ये थोड़ी वहां जाकर बैठेंगे बेचारे इन लोगों ने ही कमाई का साधन किया है ये भी जब धर्म जिंदा रहेगा तभी इंसान जिंदा रहेगा है जी ये तो बात ठीक है धर्म धर्म से जिंदा रहेगा लेकिन हम लोगों को क्यों क्यों नहीं बैठाया जा रहा इन लोगों का ही इन, इन इन इनके पैसे वो किए जाए हमारे एक 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 पार्क बनाने के लिए ये लोग कहते हैं कितना रुपया लगा दिया हाथी में लगा दिया इनसे भी तो पूछे ये कहाँ से लगा रहे हैं रुपया अपनी जेब से थोड़ी लगा रहे ये भी तो, तो की हमारी मेहनत की मेहनत के रूप से लगा रहे हैं इन लोगों ने क्या किया एक तो ये रिफाइंड और तेल चना देकर इनसे ये पूछो लोगे ये दो सौ की तो चीज़ है क्या एक परिवार में छः आदमी उनका यही खर्चा है उचौते से ये उन्हें उनके दाने खाएंगे क्या खाएंगे उन जब उन लोगों का रोजगार छीन लिया तो क्या किया जा जाए अब ये नोटबंदी हुई है क्या तुमने अमीर आदमी देखा कि वहाँ लाइन में लगता हुआ सब बेचारे मजदूरी आदमी लग रहे थे वहाँ लाइन में कोई नहीं उनका तो काम ही वहीं बैठे घर पर हो रहे उन लोगों के तो घर पर ही वो लग रहे रोजगार बेचारे फैक्ट्री वा से वापिस आ रहे हैं इन्हें इनसे पूछे नहीं जा रहा ये इनसे पूछो अभी आने वाली दस तारीख में बता देंगे पब्लिक क्या चीज़ है क्या क्या बताओगे दस तारीख को है जी क्या बता देंगे चोड़ इनका वोट की चोट से जवाब देंगे बता है। तो, तो है वोट की चोट तो है दस तारीख में बता देंगे क्या इसका परिणाम निकलेगा ये तो भागते मिलेंगे प्रदेश छोड़ देंगे कि क्या चीज है ये जनता तो वो चीज़ है जनता तो ऊपर से नीचे डालने वाली पब्लिक ही उठाती है और पब्लिक जैसे उन्होंने भाईचारा खत्म करा आप भी भाईचारा खत्म करना चाहते हो उन्हें यहाँ से भगाना चाहते हो ये हमारे हम तो भाईचारा तो बनाए जाते तो हैं हमारे लोगों का समाज ये हमारे तो देश के तो नहीं है इनको सोचते हैं ये कट्टरपंथी है ये है वे है, है इनको पता है कि क्या पंट ये हमारे लोग ये ये है ये लोग हम सब लोग मिलकर कंधे से कंधा मिलाने चाह रहे हैं मिल, मिल चलता है ये कट्टरपंथी लोग वहां फैला रहे हैं कि ये ये विद्रोह करेंगे झगड़ा करेंगे इनकी फैक्ट्री बंद करो वहाँ रोजगार मिल रहा है सब ले कुछ ले काम ले कर रहे, रहे हैं है। ऐसे थोड़ी काम चल जाएगा ये तो, तो फैक्ट्री तो मोदी जी योगी जी ने काफी लगाई है फैक्ट्री नहीं मेरे बच्चा लग रहा था फैक्ट्री में वो भी वापिस आ गया कि ये ये कोरोना काल है जो है जहाँ जिस भी बच्चे को दस हजार में मिले थे वहाँ पाँच 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 हजार में बच्चे काम कर रहे हैं बेरोजगारी कर रहे हैं आधी फैक्ट्री वगैरह भीग दिया इन सब पूछो तो सही जितने पर डिपार्टमेंट है सब प्राइवेट में नहीं कर दिए एक अब ये आने वाले इलेक्शन में प्राइवेट में करके नौकरियां बढ़ेंगी है जी प्राइवेट में ना कर, जो जहाँ एक हजार एक आदमी को पैंसठ हजार रूपए मिलने वहाँ सोलह आदमी काम करेंगे उनके नीचे करेंगे नहीं करेंगे आप ये बताइए जी जो करने के बढ़ाए थे उनमें खाद में दवाइयों में कितने पैसे बढ़ाए आप मानो कितने मंगाए गैस सिलेंडर में कितने पैसे बढ़ाए कहीं न कहीं उन्होंने काफी पैसा बढ़ाया नहीं बढ़ाया मगर आम आदमी ने उसका आज तक विरोध नहीं किया किसने नहीं, नहीं किया विरोध कर क्यों नहीं रही कर रही है भाई साहब कर रही है विरोध क्यों ना कर रही है गौशाला बनाओ गाँव में नुकसान हो रहे लोगों के हम भी किसान हो मजदूर से कोई भी जितने लोगों के नुकसान हो रहे हैं इनके लिए गौशाला बनाओ आप ये देखो उनको कुत्ते खा रहे हमारी गौ माता को हम भी हिंदू धर्म से उनके लिए गौशाला बनाओ उनकी रोकथाम करो उनका इलाज करो देखो जाकर सड़कों पे क्या घूम रहे हैं जब आपसे बताओ तुम आप लोग गौशालाओं में काफी अच्छी तरीके से गायों को रखा जाता है गौशाला में भुक्की मर रही है गाँव ना के देख लो ये नेक टिमाकिया के अंदर है और ये गाँव निकालो अभी यही निकाल कर योगी जी तो खेतों में घूम रहे हैं। बताओ तुम आप लोग। आपको काफी योगी जी दिक्कत है हाँ दिक्कत है जी।, है जी। क्या दिक्कत है दिक्कत ये रोजगार तो नहीं है जी परेशान है और गाय जो है और किसानों के जो है खेत खराब कर रखे हैं। पहले तो जो किसानों को जो नुका रखा था नुका चलो भाई नाच देंगे जो नाच बी अब नाज भी गाय खा रही है यानी जितना नाज वो फ्री में दे रहे हैं उतना आप लोगों का खा रहे हैं हम लोग उससे ज्यादा खा रहे हैं फ्री में खा दे रहे हैं तो उनसे ज्यादा खा रहे हैं नू बताओ ये किसान के जो पचास रूपए बढ़ा के दवाइयों पे कितने पैसे बढ़ा दिए है जी बताओ आप बताओ बताओ कितना कितना पैसा बढ़ा दिया वो कहाँ से निकल रहा इन जनता पैसे भी निकल रहा जनता पैसे जा गैस महंगी है पेट्रोल महंगा है डीजल महंगा है सब चीज महंगाई है